क्वेश्चन नंबर 338 देखते हैं, इसमें क्या दिया है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 101, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। अगर आपने फॉर्मूला लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होता है। एक तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसका वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू भी दिया है, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे करके आता है माइनस। लेकिन ये वैल्यू तो पता नहीं है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे आएगा। अगर आपने एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किया तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अभी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 101 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहां से अगर हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकाला तो माइनस 46 आ जाएगा। अभी आते हैं जो हमें सॉल्व करना था, ये जो वैल्यू है ना ये हो जाएगा 3 इंटू 101 माइनस माइनस प्लस 46, तो 101 प्लस 46 कितना हो जाएगा 147, 3 इंटू 147 हो गया। 147 को क्या लिख सकते हैं, ये होता है 49 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 इंटू 49 हो गया। अभी हमें जो चाहिए रूट ओवर ना, रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू रूट ओवर 3 इंटू 3 इंटू 49, ए आ जाएगा आपका 21। सही आंसर क्या हो गया, 21। तो इस क्वेश्चन में हमने जो मेनली यूज किया है, एक तो एक फॉर्मूला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का, दूसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।